बड़ा ही रहस्यमयी पेड़ों में से एक माना जाता है यह पीपल का पेड़। और इस पेड़ का इंट्रो जब हमसे हुआ वो भी रहस्यमयी तरीके से हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेट्रो सिटीज वालों को ये पता है या नहीं, लेकिन बचपन में एक अफवाह हमेशा ही उड़ी कि पीपल पेड़ में भूत होते हैं। किंतु जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमने जाना कि पीपल पेड़ में भूत तो नहीं होते, लेकिन इस पेड़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हद से ज़्यादा है, क्योंकि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वैसे यह पेड़ अपने कैटेगरी में अकेला नहीं है, ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब हम और बड़े हुए तब हमें पता चला कि पीपल का पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन देता है, बल्कि इस पेड़ का हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व बहुत अधिक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, जिसमें जड़ ब्रह्मा, तना विष्णु और पत्ते शिव हैं। आज हम इन सारे मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, काफी रोचक जानकारी देंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे पीपल पेड़ के कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पेड़ पौधों को ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन इन पेड़ पौधों में से पीपल का पेड़ अपना एक खास महत्व रखता है। पीपल को सभी वृक्षों का राजा कहा जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का प्रिय वृक्ष बताया गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में बहुत से देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। पुराणों में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है, आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना गया है, इसमें सब तीर्थों का निवास भी होता है, इसलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन है। महिलाओं में यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना और परिक्रमा करके जल चढ़ाते रहने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र उत्पन्न होता है, पुण्य मिलता है, अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बन जाती हैं। यदि किसी की कोई कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए पीपल के तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटने की भी परंपरा है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने व दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। जब किसी की शनि की साढ़े साती चलती है तो पीपल के वृक्ष का पूजन तथा परिक्रमा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है। इसकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में वंदन वार भी बनाए जाते हैं। धार्मिक श्रद्धालु लोग इसे मंदिर परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय होने से पहले पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले इस पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है। पीपल के पेड़ को काटना अथवा नष्ट करना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना या इसकी छाया के नीचे रुकना अशुभ माना जाता है। यह एक तरह से दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। वास्तु में भी इसके छाया से दूर रहने की भी बात की गई है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पीपल के पेड़ की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जनेऊ पूर्व प्रसाद चढ़ाएं, धूप बत्ती व दीप जलाएं। आसन पर बैठकर या खड़े होकर मंत्र जप करें या इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें। वीडियो में आगे चल के पीपल के उपाय एवं टोटके के बारे में बताएंगे, जो कि 100% शर्तिया और कारगर है। आइए जानते हैं पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु शनिवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ पीपल के पेड़ में ही निवास करते हैं, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा के साथ साथ पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, आइए जानते हैं। आप चाहे पीपल पेड़ में जल चढ़ाएं या इसकी परिक्रमा करें, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करना है।
यह मंत्र आपको सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। यदि आप शनिदेव के द्वारा पीड़ित हैं और शनि पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया कम से कम 18 शनिवार जरूर जलाएं और उसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा 7 या 9 बार करें तथा ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें। वैसे तो आज की तारीख में YouTube में ढेर सारे वीडियोस हैं जो तरह तरह के टोटके और उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन ये कुछ उपाय और टोटके हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं और व्यक्ति को इन उपायों से 100% लाभ भी हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन ज्योतिषीय उपाय के बारे में। नंबर 1, जो व्यक्ति नियमित रूप से रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता है, उसकी कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 2, पीपल की परिक्रमा करने से कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, शनिवार के दिन पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, पीपल की रोपाई और उसका संवर्धन करने से कुंडली में पितृ दोष दूर होता है। नंबर 5, शनि की साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर गुड़ दूध मिश्रित जल चढ़ाकर उसकी सच्ची श्रद्धा के साथ आराधना करें, फिर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये नियम करने से शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं पीपल के टोटके के बारे में। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर शिवलिंग को स्थापित कर उसकी नित्य पूजा आराधना करता है तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, जो व्यक्ति सावन के सभी शनिवार को पीपल की आराधना करके उसके नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 3, पीपल के नीचे इसके 11 पत्तों को तोड़कर चंदन की स्याही से इन पर जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें, इससे आपकी सारी विपदा दूर हो जाएगी। नंबर 4, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप करने से भय से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल की विधिवत आराधना कर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, ऐसा करने से जीवन में धन वैभव और संपन्नता आती है। संतान प्राप्ति के लिए पीपल के एक पत्ते को प्रतिदिन 1 घंटे तक जल से भरे पात्र में रखें, फिर इस जल से पत्ते को निकालकर पेड़ पर रखें और इस जल को दंपत्ति पिएं। ऐसा 3-4 माह तक लगातार करें, इस टोटके से उनकी सूनी गोद भर जाएगी। नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति का रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखें, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। नंबर 8, व्यापार में वृद्धि हेतु प्रत्येक शनिवार को पीपल के एक पत्ते पर अनार की टहनी की कलम और चंदन की स्याही से स्वास्तिक का चित्र बनाएं और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर उस पत्ते को रख दें। ऐसा 7 शनिवार तक लगातार करें और सभी पत्तों को पास रख लें, फिर 8वें शनिवार को उन पत्तों को किसी सुनसान जगह पर डालकर मन में अपनी मनोकामना को दोहराएं। शीघ्र ही आपके व्यापार में बरकत होने लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसी कमाल की जानकारी के साथ।